तो अब मैं आपको छह उपाय बताने वाला हूं, सब नोट करिएगा। प्रभुपाद जी को जब उनके शिष्यों ने पूछा कि काम वासना पैसे कैसे, तो प्रभुपाद जी ने बोला कि एक उपाय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, 24 घंटे अपने आप को बिजी रखो। 24 घंटे आप अपने आप को इतने व्यस्त रखो, इतना आपका शेड्यूल किसी न किसी सेवा में, किसी न किसी भक्ति कार्य में आप इतने अपने आप को व्यस्त रखो कि आपके पास कोई समय ही नहीं है अन्य चीजों के बारे में सोचो। यह सबसे अच्छा उपाय काम वासना को। प्रभुपाद जी बोले, देखो मैं 24 घंटे बिजी रहता हूँ। प्रभुपाद जी 24 घंटे बिजी रहते, लगभग 2 घंटे मात्र सोते थे 24 घंटे, और इतने बिजी रखते थे अपने आप को कि उनको कुछ ना कुछ हमेशा कार्य भगवान की सेवा में, चाहे भगवान का नाम ले रहे हो या कीर्तन कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इस तरह से। तो प्रभुपाद जी ने बोला, आप भी ऐसे ही करो, अपने समय को 24 घंटे किसी न किसी सेवा में लगाओ, भगवान की सेवा किसी न किसी। इससे क्या होता है, आपके पास समय ही नहीं। जो बोलते हैं आइडल मैन्स माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, इंग्लिश में कहा, एन आइडल मैन्स माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, यानी जिसके पास फुर्सत, यानी आइडल यानी जो फुर्सत में बैठे हुए, तो उनके माइंड में सब गलत विचार सब आते हैं, और जिसके पास फुर्सत नहीं है वो कहां से सोचेगा। इसलिए हमको एंगेज रहना चाहिए हमेशा। और दूसरा उपाय है भक्तों के संग में रहना। अकेले में जब रहते हैं तो ऑटोमेटिकली मन में खराब ख्याल, जो भी अकेले में रहते हैं, अकेला अकेले आप अकेले नहीं है एक्चुअली, आप अपने सबसे बड़े शत्रु के साथ हैं। आप सबसे बड़े शत्रु क्या है, मन। गीता में भगवान बोलते हैं जो आपका मन है वो सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है, सबसे बड़ा शत्रु भी हो सकता है। जब पूरी तरह कंट्रोल में रहता है मन तो आपके सबसे बड़ा मित्र है, और जब कंट्रोल में नहीं रहता है तो सबसे बड़ा शत्रु है। तो हमारे स्थिति में अभी तो पूरे कंट्रोल में तो है नहीं हमारा मन, तो इसलिए हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो आप अकेले में जब रहते हैं तो आप अकेले में नहीं है, आप अपने सबसे बड़े शत्रु के साथ में। लेकिन अगर कोई भक्तों के साथ है, भक्तों के साथ बैठकर आप गलत सोच भी नहीं सकते, गलत बोलते। इसलिए भक्तों के संग में हमेशा रहना। आप बोलेंगे भक्तों का संग हमेशा कहां से मिलेगा प्रभु जी, हम तो हफ्ते में एक बार मंदिर जा पाते हैं, बाकी समय हमको कहां से मिलेगा संग। तो संग क्रिएट करो अपने परिवार में, नहीं तो आपके कोई आस पड़ोस पड़ोसी अपने दोस्त जो भी है उनको भक्त बनाओ, भक्त बनाकर उनके साथ रहो, भक्तों के संग में रहो, भक्तों का मदद लो। हर चीज में भक्तों का मदद किया जा सकता है, कोई भी कार्य करने के लिए। सुबह जल्दी उठना है आपको, उसमें भी भक्तों का मदद ले सकते हैं। मैं सुबह नींद नहीं खुल पाती है, प्रभु जी आप हमें सुबह 4 बजे फोन करके जगा, आप हमें रिमाइंडर दे दीजिए कि आज प्रभुपाद का बुक्स पढ़े कि नहीं पढ़े। चैंटिंग करने में मन नहीं लगता, हम दोनों मिलकर बैठकर चैंटिंग करें। तो हर चीज में जो भी अच्छे आदत बनाना चाहते हो या जो बुरे आदत को खत्म करना चाहते हैं, दोनों चीजों में अपने क्या करना है, हेल्प लेना है, भक्तों का हेल्प लेना। और भक्तों का हेल्प लेंगे तो आपको बहुत आसानी से बुरे आदतों से आप भक्तों के संग में रहिए, भक्तों का हेल्प लीजिए। आजकल हो सकता है फिजिकली एक साथ ना हो, ऑनलाइन में भी आज हेल्प ले सकते हैं, फोन के माध्यम से भी, किसी माध्यम से आप हेल्प ले सकते हैं भक्तों का साहिब, और उनकी सेवा करें। ये दूसरा है भक्तों के साथ सबसे पहले। और तीसरा उपाय है कि सम्मान करना सीखो, भक्तों को ही नहीं, हर स्त्री को, हर पुरुष को।
किसी भी स्त्री या किसी भी पुरुष का जो शरीर है वो शरीर हमारे भोग के लिए नहीं बना। सॉरी मैं इसको बड़ा ब्लंटली बोल रहा हूँ, लेकिन कोई भी हमारा इंद्रिय भोग के लिए नहीं है। हर व्यक्ति एक्चुअली भगवान के अंश है, तो भगवान के सेवा के लिए दिया गया है उनका शरीर। यानी जो हर व्यक्ति को हम जब देखेंगे कि भगवान के सेवक हैं, भगवान के अंश हैं, ये हमारे भोग के लिए नहीं है, उनको सम्मान देना चाहिए, तो तब जो है उनको भोग करने का मनोभाव आ नहीं सकता। कोई व्यक्ति को, इसलिए हम हर स्त्री को हम क्या बोलते हैं, माता जी, और पुरुष को प्रभु जी। कोई अपने प्रभु हैं, कोई हमारे माता है, तो उनको हम कैसे गलत दृष्टि से कैसे देखें। आप बोल सकते हैं हाँ, लेकिन डिवोटी तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं जो जो भक्त नहीं है, उनका क्या, जो भक्त नहीं है या जो खुद ही गलत काम करने में लगे, उनको कैसे आप माता या प्रभु को भी देखना चाहिए। क्योंकि भले वो खुद नहीं समझ पा रहा है, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि हर व्यक्ति का, हर व्यक्ति भगवान का अंश, चाहे वो समझे या ना समझे। उनको नहीं समझ में आ रहा है, हमको तो समझ में आ रहा है ना, हमको तो पता है ना। तो इसलिए जब हर व्यक्ति को हम सम्मान के दृष्टि से देखेंगे, आदर सम्मान के दृष्टि से देखेंगे, ये देखेंगे कि ये भगवान के अंश है, ये मेरे पूजनीय है, तो तब जाहिर जो है सबको, हर जीव को, चाहे वो चींटी हो, इंसान हो, कोई भी, उनको सम्मान देना सीखेंगे तो हम उनका अनादर नहीं कर सकते, गलत दृष्टि से नहीं देख सकते। उसके बाद चौथा उपाय क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि आपको काम वासना से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने जिह्वा पे कंट्रोल करना। जिह्वा उदर और उपस्थ, ये तीन एक लाइन में होते हैं। अपने जिह्वा यानी खाने का जो इंद्रिय, उदर यानी पेट, और उपस्थ यानी जननेन्द्रिय। तो ये तीनों एक लाइन में, सीधे लाइन में रहते हैं। जब आपका जिह्वा कंट्रोल में रहता है तो आपका पेट और जननेन्द्रिय भी कंट्रोल। इसलिए बताया गया है हमें क्या करना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, भगवान का प्रसाद लेना। भगवान का प्रसाद लेने से क्या होगा, हमारे जिह्वा का, हमारी चेतना शुद्ध होती, गलत विचार नहीं आते। और प्रसाद लेना यानी कभी कभी प्रसाद लेना नहीं, हमेशा सिर्फ प्रसाद ही लेना, यानी जो भी आप खाते हैं भगवान को भोग लगाकर, बाहर का खाना अवॉइड करें जहां तक संभव है, और खुद भक्तों के द्वारा बनाया हुआ खाना जो है भगवान को भोग लगाकर समर्पित करके प्रसाद के रूप में जब ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, प्रसाद का खाने से हमारा मन शुद्ध, गलत विचार हमारे मन, और जो हम खाते हैं जैसा अन्न वैसा मन, बोलते हैं ना हिंदी में, यू आर वॉट यू ईट, इंग्लिश में बोलते हैं यू आर वॉट यू ईट, यानी आप जो खाते हैं आपको जैसा अन्न वैसा मन। तो जब हम भगवान का प्रसाद ही खाने का आदत बनाएंगे, उससे काफी हमारा मन भी शुद्ध होता है। उसके बाद पांचवा उपाय है, कभी भी अकेले नहीं रहना, कभी भी अकेले नहीं रहना, हमेशा भक्तों के साथ रहना। अच्छा, इससे पहले मैंने बोला भक्तों का संग लीजिए, भक्तों का मदद लीजिए, ये भी कुछ उसी प्रकार से, लेकिन इसमें क्या है, अकेले नहीं रहना। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा उनके शिष्यों को साथ में भेजते हैं। अकेले वही रह सकता है जो पूरी तरह से भगवान के बड़ी, और कभी ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिए। आप कभी मत सोचिए कि मैंने इंद्रियों को जीत लिया, जैसे इसलिए वो जैमिनी ऋषि का कहानी मैंने बताया, तो जैमिनी ऋषि ने सोच लिया कि मैं तो जीत लिया हूँ, लेकिन अचानक पता चला कि उन्होंने कुछ नहीं किया। वैसे एक श्री वैष्णव संप्रदाय के कालवा का भी कहानी आता है, उनको बोलते हैं, उनका नाम है विप्र नारायण। विप्र नारायण नाम के एक बहुत बड़े भक्त थे, तो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, उनको लगा कि हमने जीत लिया काम पास, और उसी समय पर खत्म हो गए। कभी भी आप मत सोचिए कि आपके इंद्रियों कंट्रोल में आ गए, आप हमारे तो कुछ नहीं होगा। जैसे आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, प्राइड कम्स बिफोर अ फॉल, इमीडिएटली आपका पतन निश्चित। और आखिरी उपाय क्या है,
आखिरी उपाय है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए, बुद्धि का प्रयोग करके विचार करिए कि किन चीजों से आपको दिक्कत, चीजों से दूर रहिए। कि हमने डेली स्केड्यूल पर ऐसा प्लान करिए, भगवान ने हम सबको बुद्धि दिया है, उस बुद्धि को उपयोग करके हम अगर सोचें तो हर समस्या का समाधान हो सकता है। ऐसा कोई समस्या नहीं इसका समाधान, तो विश्वास रखिए भगवान ने ऐसा मार्ग दिया कि उस मार्ग को अपनाने से कोई भी समस्या का समाधान। इसलिए हर रोज हमें क्या करना चाहिए, थोड़ी देर एकांत में बैठकर 15 मिनट आधा घंटा बैठकर सोचना चाहिए कि मेरे जीवन में क्या कमी है, क्या दिक्कत है, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अपनी बुद्धि का प्रयोग करना, अपने बुद्धि का प्रयोग करके अपने स्केड्यूल को प्रॉपरली आप मैनेज कीजिए, आपके स्केड्यूल को मैनेज कीजिए, आपके समय को मैनेज कीजिए और आपके लाइफस्टाइल को मैनेज कीजिए इस तरीके से, ताकि आपके जो प्रॉब्लम है उससे आप बच सकें। प्रभुपाद जी एक बार, अपनी प्रभुपाद जी जब 80 साल के उम्र के थे, उनकी बहन आई थी, उनकी बहन वो भी बहुत बूढ़ी थे, उनसे मिलने के लिए उनकी बहन आई थी, उनका नाम पिशी माँ बोलते थे, और उनके बहन आए थे, वो बात कर रहे थे, प्रभुपाद जी का सेक्रेटरी बैठे हुए थे, और वो सेक्रेटरी जो था वो प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी और उनकी बहन बात कर रहे थे, तो वो गया कुछ काम से, और थोड़ी देर बाद जब वो सेक्रेटरी वापस आए, प्रभुपाद जी उनको डांटने लगे, बोले तुम कहाँ गए, मुझे एक औरत के साथ अकेले छोड़ के कहाँ गए। प्रभुपाद जी उनको डांटने लगे, अरे देखो प्रभुपाद जी तो 80 साल के थे, उनकी जो सिस्टर है वो भी ऑलमोस्ट उसी उम्र के, और वो उनके सिस्टर है, और वो भी प्रभुपाद जी इतने बड़े आचार्य हैं सन्यासी, तो कोई ऐसा गलत कैसे सोच सकता। पर फिर भी प्रभुपाद जी ने बोला हमें अकेले छोड़ के क्यों गए। कहने का मतलब यह है कि प्रभुपाद जी एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, हम सबको टीच कर रहे हैं, जैसे स्पेशली सन्यास को एक्सट्रीमली सावधान रहना चाहिए और सभी को सावधान रहना चाहिए। तो कभी भी मत सोचिए कि हम जीत लिए, अपने बुद्धि को प्रयोग कीजिए, हमेशा सावधानी बरतिए, अपने शेड्यूल को, अपने लाइफस्टाइल को ऐसा मैनेज कीजिए ताकि यू आर ऑलवेज। तो ये सब कुछ उपाय हैं, और भगवान की, अच्छा एक और बहुत महत्वपूर्ण उपाय है, इसमें जब लिखा नहीं है, एक और है कि भगवान की लीलाएं सुनिए, भगवान की कथा सुनिए। भगवान की लीलाएं और कथा सुनने से क्या होगा, आपका हृदय का जो रोग है काम वासना वो चलेगा। भागवत में सुंदर है, बहुत सुंदर श्लोक आता है, हृद्रोग अपिहिनोत्यचिरेण धीरः, यानी भगवान कृष्ण विक्रीडितं व्रजवधू विदितं च विष्णोः श्रद्धान्वितो अनुश्रुणुयात् अथ वर्णयेद्यः। तो भागवतम में बताया गया है कि कृष्ण की लीलाओं को, कृष्ण कथाओं को भक्तों से जब कोई व्यक्ति सुनता है ना ध्यानपूर्वक, और वो कृष्ण कथा, कृष्ण का जो संदेश है वो कोई श्रद्धा से सुनता है या उसका वर्णन करता है, उसके हृदय हृदरोग आंसू अपहिनोत, उसका जो काम वासना है बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। कोई लोग बोलते हैं कृष्ण और गोपियों का जो रासलीला है वो कितना काम वासना से भरा हुआ है, वो काम वासना नहीं है, वो तो दिव्य प्रेम है, काम वासना से बहुत दूर है, पूरी तरह से विपरीत है काम वासना। जो कृष्ण के दिव्य प्रेम की लीलाएं जब सुनेंगे शुद्ध वैष्णवों से, प्रामाणिक वैष्णवों से, प्रभुपाद जी और क्या भगवान के संदेश गीता भागवत ये सब सुनेंगे तो क्या होगा, हमारा हृदय का जो काम वासना है। इसलिए रेगुलरली क्लासेस अटेंड कीजिए, सुनते रहिए, बुक्स पढ़िए, प्रभुपाद जी का, भगवान का नाम का जप करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो काम वासना से, भगवान की कृपा से हम काम वासना को नहीं जीत सकते, लेकिन भगवान जीता सकते, भगवान साफ कर सकते हैं हमारे हृदय, हम नहीं कर सकते।
हम बस भगवान के प्रति शरणागत होंगे, पूरी तरह से उनकी सेवा में 24 घंटे लगे रहेंगे, भगवान का नाम लेते रहेंगे, कथा सुनते रहेंगे, भक्तों की सेवा करते रहेंगे आदर सम्मान पूर्वक, तो भगवान ही हमारे हृदय में जो काम वासना है उसको निकाल शक्ति प्रदान कर अपने अपने खुद की ताकत से। तो इस प्रकार से अपने मार्ग से हम बहुत आसानी से उसको राधे राधे।